न्यूज़ सच जरूरी है। आशिकी 3 में हुई तारा सुतारिया की एंट्री, बना सकती है कार्तिक आर्यन की हीरोइन। जनवरी 2024 में होगी शूटिंग। विराट अनुष्का ने करीबियों से किए रिक्वेस्ट, बोले प्लीज वर्ल्ड कप के दौरान मैच की टिकट के लिए नक। एक्टर विशाल के आरोप पर सेंसर बोर्ड की सफाई, कहा जिन्होंने रिश्वत दिया वो बोर्ड के लोग नहीं। फिल्म मेकर्स बचोलिया से बचे। कॉफी विद करण 8, करण जौहर ने किए नए सीजन के अनाउंसमेंट। प्रोमो वीडियो में खुद को ही रोज करते दिखे। फिल्म विवाह सूरज बड़जात्या के दिल के सबसे करीब उनके बेटे अविनाश बड़जात्या बोले पापा की फिल्म में उनकी रियल लाइफ पर्सनैलिटी से बेस्ट होती है। वीआईपी लाउंज में नीना गुप्ता को जाने से रोका गया, बरेली एयरपोर्ट पर हुई थी ये घटना। एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर कहा अभी तक के वीआईपी नहीं हुई। फिल्म की स्क्रीनिंग में पहुंचे अनन्या पांडे, आदित्य रॉय कपूर कैमरे से बात करते नजर आए दोनों, डेटिंग के लिए खबरों में हैं। मुंबई की अलग अलग जगहों पर नजर आए सेलिब्स, कैजुअल लुक में दिखी श्रद्धा कपूर, रश्मिका मंदाना, सैलून के बाहर स्पॉट हुए टाइगर श्रॉफ। पहली बार साथ आ रहे हैं शाहरुख, सलमान और ऋतिक। आयन मुखर्जी की वार 2 में यशराज स्पाई यूनिवर्सिटी के टाइगर, पठान और कबीर होगी। रहमान ने सर्जन एसोसिएशन के खिलाफ किया मुकदमा, मानहानि का केस दर्ज किया, 10 करोड़ रुपए का मुआवजे के साथ मांग की 2018 का। ये है MNS News Network और आप देख रहे हैं MNS News।